जानते हैं धान में लगने वाले एक दूसरे रोग जीवाणु झुलसा रोग के विषय में। ये जीवाणु जनित रोग धान के पत्तियों की नोक से या पत्तियों के किनारे से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे धान के पौधों को अपनी चपेट में ले लेती है। दरअसल ये रोग ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर बढ़ती है। शुरुआत में पत्तियों पर भूरे रंग का धब्बा बनना शुरू होता है, जो बाद में पीले रंग का दिखने लगता है और फिर पूरी पत्ती सफेद रंग में तब्दील हो जाती है। कल्ला निकलने से शुरू होकर ये रोग धान में बालियां आने के दरमियान पौधों को अपना शिकार बनाती है। इस रोग से होने वाले नुकसान की अगर बात करें तो रोग ग्रसित पौधों में मुख्यतः बालियां कम नजर आती हैं और बालियों में दाने अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और तो और दानों का रंग मटमैला हो जाता है। आमतौर पर ये रोग किसान भाइयों के धान की फसल को 50 से 60 फीसदी तक नुकसान पहुंचाती है। अगर खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 50 ग्राम की मात्रा को पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर रोगों का प्रकोप अधिक दिखाई दे तो 15 दिनों के अंतराल पर दवा का छिड़काव करना चाहिए।